हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से दिन पे दिन हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति श्रीलंका की जैसी होती जा रही है। साथियों, समय कम है, अब इन लोगों के चक्कर में हमें नहीं आना है। बहुत हो गई मंदिर मस्जिद की बात, बहुत हो गई हिंदू मुसलमान सिख की बात, अब हमें चाहिए मूल मुद्दे, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए महंगाई कम, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा। हम सबके मार्गदर्शक यूथ का नेता कैसा हो, यूथ का नेता कैसा हो, मंच पर उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा हमारे मार्गदर्शक, देश के करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय पवार साहब, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के प्रभारी और देश के एक विजनरी लीडरों में से एक आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब मंच पे उपस्थित, मास्टर जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव, आदरणीय तटकरे साहब राष्ट्रीय महासचिव, महाराष्ट्र से पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके प्रिय नेता अजीत दादा पवार मंच पे उपस्थित, राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजिया ताई जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश के बहुत ही कद्दावर सीनियर लीडर और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, नाम मत लो सबके, और मंच पे उपस्थित तमाम हमारे सभी वरिष्ठ नेता, खास तौर पे हमारी बड़ी बहन सुप्रिया तनसुले कार्यक्रम में मौजूद, हमारे महाराष्ट्र से देश से जितने भी विधायक मंत्री एके शशिधरन जी और देश के कोने कोने से आए मेरे तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथी, युवा साथी और विद्यार्थी संगठन के मेरे साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम सब लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन पे हम लोग दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। बहुत टाइम बाद हमारे को एक मौका मिला जिसका मैं तहे दिल से आदरणीय शरद पवार साहब का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने हमारे जैसे कम उम्र के नौजवानों को, मेरे को और सोनिया जी को इस राष्ट्रीय अधिवेशन की जिम्मेवारी सौंपने का विश्वास दिखाया। इसके लिए तहे दिल से माननीय शरद पवार साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप सब लोग, ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, आपने देखा था किस तरीके से कोई मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, एक सर्वसाधारण परिवार से, पिताजी मेरे डिफेंस में थे, पढ़ाई करने के लिए पुणे गया, पहली बार एक बार पुणे में पवार साहब का मैंने भाषण सुना, तभी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और पवार साहब का होके रह गया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हरियाणा से हैं, आप दिल्ली से हैं, यहां के किसी पार्टी से क्यों नहीं जुड़ते। मेरा उनको एक ही बोलना है कि क्या आपके नेता के पास, आज भले ही कोई मुख्यमंत्री हो, कोई होम मिनिस्टर हो, कोई प्रधानमंत्री हो, लेकिन देश में किसी भी नेता के पास 55 साल की पब्लिक सेवा किसी के पास भी आज भी है? सिर्फ और सिर्फ हमारे शरद पवार साहब के पास एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसी ऊर्जा है, और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज इतने बड़े मंच पे, इतने बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में मुझे भाषण देने का, मुझे इस कार्यक्रम का आयोजन करने का, मुझे शरद पवार साहब ने मौका दिया। साथियों,
आज की परिस्थिति किसी से भी नहीं छुपी। 2014 में दो लोग आए जिन्होंने बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी घोषणाएं देश में करी। सभी हमारे बहुत सारे युवा साथी भी यहाँ पे ऐसे थे जिनको लगा कि शायद कुछ देश में अलग होने वाला है। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े वादे देते गए। उन्होंने पूरे देश के युवाओं को एक सपना सा दिखा दिया कि आपका बस अब जीवन बदलने वाला है। जो भी आपका कष्ट वाले दिन थे अब जाएंगे और अब एक अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 में सभी लोगों ने पूरे मन से उनको वोट दिया। 2015 से 2019 आ गया, वादों का इंतजार करते करते, अच्छे दिन का इंतजार करते करते, लेकिन 2019 में भी अच्छे दिन, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अच्छे दिन आप लोगों ने देखे? हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से दिन पे दिन हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति श्रीलंका की जैसी होती जा रही है। साथियों समय कम है, अब इन लोगों के चक्कर में हमें नहीं आना है। बहुत हो गई मंदिर मस्जिद की बात, बहुत हो गई हिंदू मुसलमान सिख की बात, अब हमें चाहिए मूल मुद्दे, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए महंगाई कम, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा। आज मेरे विद्यार्थी साथी लाखों की फीस पे करने के बावजूद भी, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बावजूद भी, अभी थोड़े दिन पहले एक कैंटीन के लिए, कोई सरकारी कैंटीन के लिए कोई जॉब निकली थी, जहां पे पहले कोई छठी पास, आठवीं फेल, दसवीं पास इस जॉब के लिए अप्लाई करते थे। आप लोगों को जान के दुख होगा कि एमबीए, पीएचडी, इंजीनियर के छात्रों ने उस कैंटीन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। क्या ये ही अच्छे दिन थे? क्या ये ही 2 करोड़ रोजगार देने के वादे थे? साथियों सिर्फ और सिर्फ हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी मूवियों को फाइनेंस कर देते हैं, कश्मीर वश्मीर फाइल जैसी फिल्में निकाल के पूरे देश में एक नफरत का माहौल फैलाने का काम करते हैं। अभी हमारी आदरणीय फौजिया ताई ने बताया किस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार इतने बढ़ चुके हैं। बिल्किस बानो का आपने विषय देखा, क्या कोई इस देश में, मैं बोलता हूं जिसके भी घर में माँ है, बहने हैं, वो किसी रेपिस्ट का सत्कार कर सकता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं किस तरफ हमारा देश जा रहा है। और दुख इस बात का है कि हमारे पढ़े लिखे युवा साथियों को ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं अपने राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि साथियों अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझो। आज देश पे इतना बड़ा संकट है और देश के युवा की ये जिम्मेवारी है कि अब सड़क पे उतरने का काम आ चुका है। अब एक ऐसी मुहिम शुरू करनी चाहिए। आज यहाँ पे बहुत सारे मेरे हरियाणा से हमारे बड़े बुजुर्ग किसान भाई युवा साथी आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं। हम लोगों ने आज दिल्ली से, पूरे देश के कोने कोने से आज दिल्ली में उपस्थित हैं। हम लोगों ने एक किसान कौम को हमने ऐसा देखा कि जिसने इस गूंगी बहरी सरकार को, इस हिटलर शाही सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया। मैं अपने सारे देश के किसान भाइयों को, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास यूपी, मध्य प्रदेश, हर जगह के किसान भाइयों को दिल से सलाम करता हूं। इन लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ था, हम जो बोल देते हैं वो यूटर्न नहीं मारते, हम लोगों ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है, वही कानून बन गया है। लेकिन आज हम सब लोगों ने देखा किस तरीके से किसानों ने इस सरकार के घमंड को चूर, इसके अहंकार को चूर चूर करने का काम किया। साथियों किसान भाइयों से प्रेरणा लेते हुए इसी प्रकार से मैं अपने युवा साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि हमारे किसान भाई इनका अहंकार तोड़ सकते हैं तो ये हमारा देश जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी युवा शक्ति के तौर पर जाना जाता है, आज हमारा समय आ गया है
अब इनको हम इनके औकात दिखाएंगे, इनकी जगह दिखाएंगे। मोदी जी ने हमारे साथ छल किया है, अब मोदी जी को उनकी जगह दिखाने का काम इस देश का युवा करेगा। इस देश के कोने कोने से आए युवा साथियों को मैं आह्वान करता हूँ, इस राष्ट्रीय अधिवेशन से हम एक मुहिम चलाएंगे, सारे अपने युवा साथियों को लेके इस केंद्र की सरकार से हम लड़ने का काम करेंगे। और 2024 में हम प्रण लेते हैं आदरणीय पवार साहब के विचारधारा पे चलते हुए इस देश के कोने कोने में उनकी विचारधारा को एक घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस जिद्दी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, शरद पवार साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं, आज हम देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार कैसा डर का माहौल बना रही है। अभी भुजबल साहब ने बोला किस तरीके से ईडी की बीडी लगा देती है, सीबीआई लगा देती है, इनकम टैक्स लगा देती है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी। क्या मैं बोल रहा हूं कि आज देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की नजर सिर्फ विपक्ष के ऊपर है, सब लोगों के इसमें ये सरकारी इंस्टीट्यूट्स का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं अपने राजनीतिक मकसद से। लेकिन आज हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने इससे ना डरे और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। आज इस मंच से मैं आदरणीय अनिल देशमुख साहब को भी याद करना चाहता हूं और इस देश की बुलंद आवाज नवाब मलिक जी को भी याद करना चाहता हूं, जो ना डरे ना झुके और लड़ने का काम किया है। इन दोनों नेताओं ने, संजय राउत जी भी है हमारे इसमें, इन सभी लोगों ने हम सब लोगों को प्रेरणा दी है। हम लड़ेंगे, हम टकराएंगे और इनकी ताकतों को तोड़ फेंकने का काम करेंगे।